हुआ था क्योंकि मैंने 3 महीने तक बिजनेस को समझा नहीं था कि क्या कर रही हूँ, ज्वाइनिंग वाइनिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बस अच्छा लग रहा था तो बस कर रही थी। तो अब तक 4 स्टेप रेशियो के साथ कंप्लीट हो चुका है और सुपर स्मार्ट को बस और 7 सेल चाहिए और 7 सेल में सुपर स्मार्ट कंप्लीट हो जाएगा 1 साइड से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हर संडे को संडे एसटीपी हम लोग का हॉट प्रोग्राम होता है पर संडे को संडे, तो उस पर एसटीपी होता है लेकिन बाकी का जो डेज होता है उस पर एसटीपी 1:1 में नहीं हो पाता और जिसकी वजह से सेल कन्वर्ट नहीं होता। बस जितना संडे को होता है उतना ही हम फॉलोअप करते हैं और उसी में से ही जो डीडी हो जाता है और बाकी का 1:1 एसटीपी ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता है? सर वो बातचीत तो करते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग का ग्रुप बेसिक होता है, एक तो वेडनेसडे को होता है। कौन है कोई? तब कौन से नहीं आ रहे? तो अपन भाई तो अपन तुम्हारा जो प्रॉब्लम है तुम उसको मैंने बोला जाएगा बोला मैंने बोले हो हाँ बोला तो हूँ बट सॉल्व नहीं हुआ। सर बोलते हैं कि बट फिर भी वो नहीं पता। सर क्या बोलता है? सर समझाते हैं कि पहले खुद करो तो तभी, क्योंकि एक्चुअली सर मतलब जो साइड में मेरे साइड में जो बच्चे हैं वो मतलब बहुत कम है इसके। क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि कॉलेज हो जाता है, हम कॉलेज चले जाते हैं, बच्चे कॉलेज पे आते ही नहीं है और उनका क्लासेस होता है, वो हम लोग का टाइम होता है 10 बजे या हम 4 बजे बोलते नहीं हम वो उस टाइम पे हम आ नहीं पाएंगे, तो ऐसे हो के एस टी पी होता नहीं और फिर डायरेक्ट फिर संडे। बच्चे लोग बार बार 1:1 ग्रुप एस टी पी का फायदा बताना पड़ेगा क्योंकि संडे एक ही बार में पकड़ 10 इनवाइट आता है, कितना आता है 20-25 कितना इनवाइट आता है? इनवाइट 15 से ज़्यादा 15 आया तो जो 15 आया जितना आपका टीम का है क्या सबका तो आया नहीं होगा ना, तो उनको बताना पड़ेगा कि आपका अगर संडे का दिन में जिन लोगों का नहीं आया है और एस टी पी करेंगे फिर अगला समय 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जब हमारे लिए मौका है कि ऑफिस में बुधवार का दिन में कर सकते हैं तो जो लोग का इन्वाइट नहीं आया है उन लोगों से बात करना पड़ेगा और स्पेशली ग्रुप मीटिंग में या 1:2 में बात करना पड़ेगा कि हफ्ता भर में कम से कम एक पर्सन का 5-6 स्टीप होना चाहिए। 5-6 स्टीप के लिए संडे अगर 1-2 आया है तो बुधवार का दिन में भी आए। चलो अगर कॉलेज है उनका तो उनको बोलिए कि 1:1 के लिए शाम के टाइम पे लाए, नहीं तो सुबह 8 बजे लाए। कॉलेज को एक पर्टिकुलर टाइम होता होगा ना, उसको छोड़ के भी तो टाइम देता होगा उसमें बुलाए। और एक चीज है, जब तक एक इंसान खुद से नहीं समझेगा ये मेरा बिजनेस है, मेरा ड्रीम फुलफिल करने का है, तो तरह तरह का बहाना या तो एक्सक्यूजेस दिखाएगा। किसको लगता है कि एक दिन में 24 घंटा बहुत ज्यादा है, जिसको कुछ करने का नहीं, जिसका कुछ ड्रीम नहीं, किसको लगता है कि एक हफ्ते के बाद एक प्रेजेंटेशन काफी है, और किसको लगेगा आज सुबह प्रेजेंटेशन हुआ फिर दोपहर में प्रेजेंटेशन होना चाहिए फिर शाम को प्रेजेंटेशन, उसी को लगेगा कि वो कुछ चीज चेज कर रहा है, वो कुछ चीजों को पाने के लिए वो क्या कर रहा है भाग रहा है, तो उसी को लगेगा कि संडे बहुत दूर है बीच में प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। तो आप अपने टीम में जूनियर लोगों को ड्रीम सेट माइंड सेट कराइए, फील लेवल अचीव करना है वो चीजों को दीजिए, उन लोगों के घर में जो चीजें वीकनेस है जो चैलेंजेस है उसको बोलिए ये चीजें सुधारना है। संडे को पूरा हॉल आता क्यों है? संडे को ट्रेनिंग होता है पूरा हॉल, तो मीन संडे के लिए उनको इम्पोर्टेंस उन्हें बोला गया है जी, तभी आता है हाँ कि नहीं? तो तुमने कभी उन लोगों को बाकी दिन के लिए बोले हो कि इम्पोर्टेंस क्या है? तुम सब उनको पता है कि आना है क्यों? अगर तुम इम्पोर्टेंस अगर मैंने नहीं बोलोगे तो कभी आएगा ही नहीं। हर चीज के पीछे हमको पता है कि हमें क्यों करना है तो तभी लोग आता है। क्यों का मैंने रिजल्ट अगर नहीं है तो कोई आएगा नहीं, समझे कि नहीं? सर एक्चुअली क्या होता है ना, वो जो आप जो बोलते हैं ना कि वेटर को समझाना पड़ेगा कि क्यों करना चाहिए इनविटेशन, उनका अचीवमेंट, एक्चुअली बच्चे सब बहुत प्लस टू के एज के हैं, 16 एज के हैं, प्लस टू करियर कंटिन्यू है, 16 साल के बच्चे हैं ज़्यादातर। बाहर में बोल रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त ना कोई किसी को तुम एक स्ट्रेंजर के साथ ना, तुम वही हो ना जी? है?
तो तब भी शायद मैं तुमको मैंने बोला था कि तू तुम्हारा जो एज तुम ये चेंज करो 15-16 को तुम अभी मैंने मुझे नहीं सकते ज्यादा तुम्हारा 15-16 साल का जो उम्र है उनको ज्यादा मोटिवेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो कम से कम उम्र तो हो वो लोग खुद ही ये मैच्योर नहीं है बाकी करते करते हो सकते हमको 16-18 के ऊपर जाना है तो प्लस टू पास किया हाँ मैं पूछ तुम्हारा कितना उम्र है प्लस टू कम्प्लीट हुआ प्लस टू कम्प्लीट कम से कम प्लस टू कम्प्लीट हो सर वो लोग आ जाते हैं कंप्यूटर क्लास करने के लिए बस ठीक है तो आ गया आ गया तुमको इनकम मिल गया ठीक है बस तुम उसे उम्मीद नहीं कर सकते हो अब वो बोलते हैं कि देखते हैं ना कि बच्चे हॉल पे जाते हैं हम लोग का इनविटेशंस के ऊपर ऑफर्स होता है कि अगर टू इनवाइट्स हुआ जिसका 3 इनवाइट्स हुआ हमको स्टेज पे बुला के ऐसे कुछ गिफ्ट देते हैं तो वो लोग देखते हैं तो बोलते हैं हमको भी जाना है हम क्या करना है बोल दो मतलब मेरे को उनके साथ क्या एक्टिविटीज करना होगा जिससे वो समझे नहीं मेरी बात को वो ग्रुप स्टेज में जो लोग का तीन इनविटेशन रहेगा उनको संडे का दिन में स्टेज के ऊपर भी गिफ्ट मिलेगा यही बोल रहा ना कि गिफ्ट माने संडे स्टेज आने के लिए दादा ये नहीं बोल रहा कि उन लोगों को आने के लिए रोको रोको नहीं वो तो संडे आना वो जैसे प्लस टू या तो 11 स्टैंडर्ड का है वो लोग जैसे आपके बिजनेस पे आ रहा है कंप्यूटर सीख रहे हैं कभी कभार वो इच्छुक हो जाता है किसी को कुछ गिफ्ट देखते हुए ये जो प्रो आ रहा है उसको आने के लिए रोको मत साथ साथ में थोड़ा अपर प्लस टू के ऊपर के लेवल के डिग्री कोर्स के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उन लोगों को तू मुझे एक बात बताओ कंपनी क्या बोला है कि तुम्हारा टीम में ओनली एक लेवल का लोग आएगा बोला है कंपनी बोला है जो भी लेगा माइल्स चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे एजुकेशन में हो तुम्हारी टीम में अगर आ गया 16 साल वेलकम 17 भी आएगा 19 भी आएगा 20 आएगा 25 सब लोग आएगा किसी के लिए ना नहीं है लेकिन तुम उम्मीद मत करना कि 16 साल का लोग काम करेगा वो लोग अभी भी इमैच्योर है मैच्योर नहीं है ठीक है नहीं सब लोग अनंत की तरह माने माने कि क्या क्या बोलते हैं जो बोलते हैं कि माने बदमाश नहीं है हाँ कि नहीं और तुमको उन लोगों को अगर काम सिखाना है तो अनंत का जो फोटो है उनको वो दिखाओ अनंत फोटो अभी का नहीं जब वो गांव से जाएगा 16 साल का तब दिखाओ और देखो ये लड़का देखो इसका उम्र देखो तब देखो तब था काम बोल देना ठीक है और अभी देखो कैसे बन गया है यहाँ पे सीट दिखा बोलो कि देखो मैंने उनका हाल देखो कैसे शर्ट बनाया देखो कैसे पैंट बनाया देखो आज देखो क्या स्टाइल हो गया तो धीरे धीरे मोटिवेट करो जो लोग आ गए हैं उनको तो मोटिवेट करना है संडे प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग के लिए धीरे धीरे करते करते उन्हीं में से कोई तो बोल दिया पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के आ जाए हाँ समझे और सर उनके साथ मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा एक बात मान लेना लोग जो सुनता है उस ज्यादा आगे बढ़ता है लोग जो देखता है तुमने आज से 10 साल पहले जो किताब पढ़ा शायद तुम भूल गए हो मतलब सर पहले पिक्चर देखे हो वो आज भी याद है हाँ कि नहीं जी 10 साल पहले तुमने जो किताब पढ़े थे शायद तुम वो आज भूल गए हो पर 10 साल पहले तुमने तो देखा फिल्म देखा शायद उड़िया हो हिंदी हो तो भी तुम फिल्म देखा सदुक्ता हो जिसका भी हो वो आज भी याद है क्यों तुमने मैंने देखे थे हाँ कि नहीं तो सेम चीज़ है तुम उनको अगर बोलोगे अनंत का अगर तुम नाम बोलोगे
बिलीव नहीं कर पाएगा, शायद झूठ बोल रहे। जब दिखाओगे कि देखो गांव से आया है, देखो देख के पता चलेगा, चल जाएगा ये मैंने बहुत गरीब था। बिकॉज उसका जो ड्रेस कोड था, जो हुलिया था, जो पैंट था, पूरा देखे देखो अभी क्या चेंज हो गया। कैसे हुआ? ये लोग संडे भी आता था पर अपने लिए और अचीवमेंट के लिए संडे छोड़ के भी कभी कभी आना शुरू किया सप्ताह में, और एक दिन, फिर दो दिन, फिर तीन दिन। ये बात तुम बोलोगे, सब सबको बोलोगे, सब लोग सुनेगा नहीं, एक लोग सुनेगा आएगा, फिर दो सुनेगा आएगा, और एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा, बार 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 बोलना पड़ेगा। समझ भी बोल रहा था जो बात आपने जो सलूशन दिया है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। जो आपका टीम में अभी आप बोल रहे ना, 8-10 डिग्री होने से तुम्हारा सुपर स्पॉन्ड हो जाएगा, 7 डिग्री, तो 7 डिग्री होने में सुपर स्पॉन्ड हो जाएगा, मतलब आपका टोटल टीम कितना बने हैं? 92 बने। 92 में ऐसे तो कोई इंसान है जिसका सपना है, जो काम करना चाहते हैं, जो जिसका मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे तो कोई है ना? मतलब तुम ढूंढ नहीं पा रहे उसको, कोई ना कोई है जो संडे छोड़ के भी काम करेगा, जिसके अंदर सपना है उसको पहले ढूंढो, उनके साथ मिलो, रिश्ता बनाओ, देखो जिसके अंदर सपना है उसको ज़्यादा जो सोल्यूशन दिए ना, वही सोल्यूशन उसको कंटिन्यू करते जाओ, देखो जिसके अंदर सपना है वो निकल के आ जाएगा, वो काम करके निकल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, टीम का कुछ टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू सर। हम देख लेंगे उसमें से कौन सी है।